हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ अंता बालाखेड़ा से पधारे कवि विष्णु विश्वास जी हैं। विष्णु विश्वास जी का नाम हर कवि मंच से लिया जाता है और इनकी पहचान दूर दूर तक है। आज ये हमारे बुलावे पर स्टूडियो में पधारे हैं। इनसे इनके जीवनी के बारे में जानेंगे, ये कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह इनकी कहाँ हुई और कब से इन्होंने अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। आइए बात करते हैं कवि विष्णु विश्वास जी से। विष्णु जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। विष्णु जी, पहले तो आपकी जीवनी से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। ये विष्णु और विश्वास, ये क्या है? विश्वास कैसे आपने अपने नाम के पीछे जोड़ा जी, इसका कोई वो बताएं? वैसे तो साहब मैं शुद्ध ग्रामीण परिवेश से आता हूँ जी जी, और अंता हायर सेकेंडरी करने के बाद जी, उस समय दुर्गादान जी हमारे हाड़ौती के लब्ध प्रतिष्ठित जी जी, जो हमारी पगड़ी है वो अंता में विराजमान थे। कविता में तो नहीं समझते थे बिल्कुल, पर जब कोटा आए तो मित्रों ने कहा कि यार ये बहुत अच्छे गाते हैं और चलें सुनने जी। तो इनको सुना तो भीतर से कुछ ऐसे बुलबुले उठने लगे काश क्योंकि समझते नहीं, काश इनको मैं समझूं। तो फिर समझा जी। उनका गीतों का माधुर्य रस ऐसा था कि समझ नहीं पाते थे, लेकिन भीतर कोई बैठा था जो उसका रसास्वादन किया करता था। बिल्कुल। और मैं साइंस मैथ्स का स्टूडेंट था जी आप देखिएगा, मतलब साहित्य और मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट, विज्ञान का स्टूडेंट मैं रहा जी। तो उस समय रमण सिंह जी राय करके यहाँ सूचना विभाग में रहा करते थे जी, तो वो हिंदी में मुक्तक लिया करते थे। लेकिन मेरा मन जो है, मेरा मन तो मतलब जब से मैंने उनको सुना मैं तो वहीं का होके रह गया। अच्छा। और कुछ करने लगा और विज्ञान विषय में मुझे निरसता हो गई जबरदस्त जी। अब इस द्वंद्व में मैं रहता रहा और इधर काव्य सजना शुरू हो गई। अरे वाह। इत्तेफाक से किसी ने कहा कि आप यार गिरधरलाल जी के पास जाइए। गिरधरलाल मालव? मालव जी। तो ये 19 साल 20 साल की उम्र रही होगी, उनके पास में गया और सर्वप्रथम की रचना थी सरस्वती वंदना, मैंने उनको सुनाया, वो बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा। और उन्होंने इतना लाड़ दिया कि मुझे तो किसी कमी की आवश्यकता ही नहीं रही। मैं तो भूल गया घर में, बाबूजी मेरे अध्यापक रहे हैं। अच्छा अच्छा। और खेती बाड़ी है, वहाँ से ये मेरी यात्रा शुरू हुई। वाह, बहुत बढ़िया। और गुरुजी ने तो फिर गुरुजी के पास तो ऐसा हुआ साहब, क्या कहूँ मैं तो शुद्ध गांगे आदमी जी सुख जी जी। उन्होंने मुझे कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, मैं क्या क्या कहूँ। और इस धरातल पर मैं मेरी योग्यता बता सकूँ ये सब उन्हीं की देन है, काफ़ी निखरा। मैं कह सकता हूँ गीतों के बारे में, कविता के बारे में जितने मर्मज्ञ वो थे शायद ही दूसरा हो जी, क्योंकि वहाँ पर मुझे झिझक नहीं थी, संकोच नहीं था। अन्य विद्वान जनों के पास बैठने में तो कितनी सारी शंकाएँ जी जी और भय व्याप्त रहता था, लेकिन वहाँ से है ना जो मेरे तो कली कली खुल गई। बिल्कुल। जैसा भी हूँ जी आपके सामने हूँ, सानंद्य मिला फिर भाई साहब ओम जी का, ये उनके साथ थे, बिल्कुल लीडर साथ भी थे अंता में। इस तरह से मुझे वहाँ से वो माहौल मिला और ये यात्रा अब तो क्या है, अब तो उतारे जिंदगी की ढलान है। विष्णु जी, वास्तव में जब आपने अपनी काव्य यात्रा का शुभारंभ किया तो आपकी उंगली पकड़ने वाले बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे जिन्होंने ऐसी आपकी उंगली पकड़ी और आपको इतनी ऊंचाई जो मिली आप उन्हीं की देन मान सकते हैं जी। और किन किन जो गीतकारों का आपके इस पर लेखन पर? बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। ये मेरा परम सौभाग्य ही था कि गुरुजी
उस समय रघुराज सिंह जी हर हिसाब से भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हुए थे वो जी जी, तो उनको वहाँ बुलाते रहते थे, तो उन जैसी यूनिवर्सिटी को भी पढ़ने का हमें मौका मिला। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और आप इत्तेफाक देखिएगा, अंबिका दत्त जी तो हमारे अंता के ही थे जी जी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें पढ़ने का मौका मिला डॉक्टर शांति भारद्वाज राकेश जी से। सही है, भारद्वाज जी जब ऊर्जा रिसोवा उपन्यास लिख रहे थे तब उसको कंप्लीट करने के बाद कि भाई बरखेड़ा हम 2-3 रात तक रुकेंगे जी, तो उन्होंने हमसे कहा कि छोराओ जाओ कथा भी लिख लिख लाओ तो हम भी कहानियाँ वगैरह लिखते थे तो माँ भी गया। और मुझे आज भी मैं स्मृति के उस अतीत में जाता हूँ तो बड़ा बड़ा गर्व होता है कि हम उन शिष्यों मंडली में थे जिनको क्या नाम से भारद्वाज जी का उपन्यास इस तरह से सुना। और साहब बीच में जब वो विश्राम लेते थे तो हमसे कहते थे छोरा और था भी, तो हम भी कहानियाँ सुनाते थे। अच्छा, इस तरह से वहाँ से समझ परक और इन ऋषियों का हमें आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे कोई पुण्य कर्मी रहे होंगे कि मुझे ये सब उनका संसार भी मिला, सन्मार्ग भी मिला। तो आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में साहित्य का कहीं भी दूर दूर तक मेरे दादाजी वैद्य मत्स्य कुमार दादीश ये उस समय कर्मकांड के क्षेत्र में बिल्कुल दखल रखते थे जी। और वैद्य के मुख्य उनका पैसा था उस समय, इनके पास खड़े हुआ करते थे, वो तो गुजर गए थे मुझे मालूम पड़ा, तो वो कविताएं किया करते थे। अच्छा, जैसे शादी विवाह में गए तो वहाँ वो जोनार जैसे प्रोग्राम होते थे ना, तो सुनाया करते थे। अच्छा, सर्वप्रथम की बात है मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, उस समय हमारे गांव में जब बिजली आई मुझे कोई मालूम नहीं था कि कविता क्या होती है, तो उसका एक वो खौफ कि बिजली आती है तो ऐसा होता है और एक परम उत्सुकता भी। मैंने कुछ पंक्तियाँ उस समय जोड़ी और उनको सुनाई। बिजली है प्राणदार, बिजली है कामदार, यदि बिजली नहीं हो तो रुक जाए सब काम, यदि कोई इसके करे छेड़ तो ये कर देती है काम तमाम, बिजली मान हराम, बिजली है प्राणदार, बिजली है कामदार, इस तरह की तुकबंदी। अच्छा। वो बड़े प्रसन्न हुआ करते थे, जब भी कोई मेहमान आते थे तो मुझे बुलाते थे कि कविता सुना। बिल्कुल, ये बीजारोपण समझो आप या मेरे DNA समझो आप, जो भी है जी। ये मेरे पापा भी संगीत में रुचि रखते थे और अच्छा गाते थे वो, तो उनसे जो जूनियर होते थे उनको गीत लिख लिख के अच्छा। और वो भजन करवाते थे, आज भी वो अच्छा गाते हैं ये साहब मेरे घर के। मेरे चाचा जी सुरेश कुमार दादी वो रामलीला मंडलियाँ वगैरह होती थी तो उनमें हारमोनियम बजाते थे, भूटीलाल जी के उस्ताद हुआ करते थे, जो उस्ताद थे तो वो नामचीन थे। इस तरह से ये माहौल मुझे घर से ही मिला। मेरी माँ खूब गाती थी, मेरी बहनें, मेरी बड़ी बहन है जो कार्तिक है, सारे से गीत मेरी दादी के पास, आज भी मैंने जब निबंध लिखे तो उनसे ही ग्रहण किए हैं। मेरी जीजू भाई बोलता हूँ उसे, राममूर्ति भाई जो बड़ा रहती है, तो इस तरह से है साहब। तो ये रंग है। तो विष्णु जी आपने किन किन विधाओं में लिखा आप? जी मुख्यतः तो मेरे गीत में ही रुचि रही शुरू में, क्योंकि संगीत का तो स्वर की तो मुझे मार बहुत है, आज भी है, मैं विवल हो जाता हूँ जब कोई स्वर पढ़ते हैं तो जब तक मेरे कंठ से न निकाल लूँ उसको, कितनी बार जब तक मेरा मन नहीं भर जाए तब तक नहीं सुनूँ, तो ये तो मेरी उधर रही। और गीत मैंने शुरू में लिखे, गुरुजी ने दबाव बना करके कि गद्य लिखो, हमारे राजस्थान में गद्य लेखन की बहुत कमी है, अरे तुम गद्य लिखो तो उनके दबाव में 10 कहानियाँ उस समय लिखी मैंने, बहुत बढ़िया, वो मैं अब रिराइट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और उनकी प्रेरणा रही कि निबंध पुस्तक हाड़ौती सांस्कृतिक धरोहर की, जो हमारे गीत थे जो अब लोप हो गए, बिल्कुल जो कंठों भी नहीं रहे जी, लोक कथाएं, लोक तो उनको लेकर के मैंने ये नन्या मोतिया की झूम की निबंध संग्रह अच्छा ये लिखा है, अभी भाई साहब मुखर्जी के पास पढ़िए, अंबिका जी के पास पढ़िए और आपकी कृपा रही तो वो आएगा जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि जो साहित्य में रुचि रखता है जी वो उसका साहित्य लिखना बहुत जरूरी है जी। और वो प्रकाशन में भी आना चाहिए, वही अच्छा साहित्यकार होता है, ऐसा मानते हैं। विष्णु जी गीत सुनाओ हमारे दर्शकों को। अच्छा, लोग
मुझे जान पाए, बिल्कुल, और विद्वान लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला जी, और उससे फिर आगे में लिख पाया जी। गृहिणी को संबोधित करते हुए ये गीत इतर की शिष्य, जिसका मूल भाव यही है कि हम स्पर्श श्रृंगार भी हमारे यहाँ हुआ करता है। इस स्पर्श अनुभव को शब्द शायद नहीं मिले हैं, तो यहाँ से ये भाव लेकर के बिल्कुल ये एक सुग्रहिणी क्या हो सकती है जी, मेरी धर्म पत्नी क्या हो सकती है, मैंने उसको जितना हो सकता है उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्थान देने का प्रयास किया है। बहुत खूब। एक गोरी थारु डीले इतर की सी सीरी सोरम की लपट उड़े छे, थारो मन गंगा को पानी री पाप्या का पाप झड़े छे, थारू डीली तर की सी सीरी सोरम की लपट उड़े छे, हाताम लक्ष्मी को बासो पावाम रिद सिद्ध छे थार, कंठ सुरस्ती मनुआ राम बालक की सी जिद छे थार, अरी थारी सीख सलाम दुर्गा थारी सीख सलाम दुर्गा संकट दूर करे छे, थारु डीली तर की सी सीरी सोरम की लपट उड़े छे। बहुत बढ़िया, बहुत श्रृंगार करना हमारे यहाँ बहुत अदब का बिल्कुल एक जज्बात हुआ करता है। बिल्कुल आप इसको इस तरह से देखिए, बिल्कुल हे या का जड़ की कारीगरी अरे यो नथ को भड़खाबो, हे या का जड़ की कारीगरी अरे यो नथ को भड़खाबो, अरे माथो ढाक मुड़क बो थारो मुंड उंगली खाबो, अरे गाला ऊपर काड़ो तिलियो गाला ऊपर काड़ो तिल कामण का कान भरे छे, थारो डीली तर की सी सीरी सोरम की लपट उड़े छे। महालक्ष्मियों के रूप में महादेवियों के रूप में इस तरह से स्थापना कर रहा हूँ। बिल्कुल हे थारा हाथा की गूठिया सु धन धन अन्न हो गयो, अन्न देव की पूजा इन हाथों के अलावा हम वो कहाँ से सोच सक सकते हैं। बिल्कुल अन्नपूर्णा, थारा हाथा की गूठिया सु धन धन अन्न हो गयो, अरि अभ्यागत आशीष कट गयो पाप धर्म पन हो गयो, अरि थारा पोया फुलका म गोरी थारा पोया फुलका म गोरी चांद सूरज उगड़े छे, थारु डीली तर की सी सीरी सोरम की लपट उठे छे, थारु मन गंगा को पानी री पाप्या का पाप झड़े छे। फिलहाल तीन बंदी पर्याप्त है, याद आ जाए तो मैं देख लेता हूँ, है ना। हे जो बन का बत्ती सू भोजन उमर की तरकारी, नारी का नारीत्व उसके समर्पण से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, जोबन का बत्ती सू भोजन उमर की तरकारी, अरी नखरा को जलपान बायरो पल्ला को आनंदकारी, अरी गोड़ी गाल बैठ बो थारो गोड़ी गाल बैठ बो जू सावणियो बहरी कड़े छे, थारु डीली तर की सी सीरी सोरम की लपट उड़े छे, थारु मन गंगा को पानी री पाप्या का पाप झड़े छे, पाप्या का पाप झड़े छे री पाप्या का पाप झड़े छे। एक बंद मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बहुत बहुत अच्छी ही श्रृंगार की मतलब रचना आपने सुनाई विष्णु जी, बहुत ही बढ़िया। विष्णु जी जो आपने आपकी जो कविताएं हैं, कितनी कविताएं आपने अभी तक मतलब संग्रहित कर ली जी? आपके तो प्रश्न ही बड़े उज्ज्वल उत्कृष्ट हैं, क्योंकि प्रश्न
प्रश्न जितने उत्कृष्ट होंगे ना, प्रश्नों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारे जवाब कैसे हों। और साहब हम तो ऐसे प्रश्नों के लिए अब तक तरसते ही रहे हैं, इसलिए मैं आपको लाख लाख धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ। बताए सन 1988 से मैं काव्य रचना यानी कर रहा हूँ, इसमें लग गया था, और ये आज आपका 2024 है। बिल्कुल। अब तो मेरे पास बमुश्किल 55 गीत तक मैं निकाल सकता हूँ। वाह। अगर उनमें भी मैं काट छाट करूँ जहाँ तक मेरा जमीर जवाब दे तो मुश्किल से 50 मान लीजिए, लेकिन 55 गीतों की एक संग्रह निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी जी यस। तो आप ये जो 55 गीतों की जो एक पुस्तक प्रकाशन करा रहे हैं आपके, और गद्दे भी उसमें, गद्दे की भी आपके तो अभी आ जाएगी निबंध। जी जी। आरती सांस्कृतिक धरोहर की। जी जी। नन्या मोतिया की झूम की। वाह। ये निबंध संग्रह तो अभी आ जाएगा। वाह। हम यही आशा करते हैं कि जल्दी आप पुस्तक लाएं और हमारे बीच में आप बिल्कुल शामिल हो। विष्णु जी, जब आपने पहली बार जब काव्य मंच या प्रथम बार आप बड़े साहित्यकारों के बीच में बैठे होंगे और अपनी रचनाएं प्रस्तुत की होगी, तब उस समय कैसा मन आपका, कैसा भाव था? अरे साहब, मेरा पहला मंच था काचरी। अच्छा। भाई साहब हरीश जी शर्मा पूर्व विधायक की जी जी पुण्यस्थली, तो दिलीप जी भाई साहब वहाँ आयोजन किया करवा करते थे। अच्छा। तो किसी ने कहा कि यार, मेरा मित्र था एक बार मुझ शर्मा की, यार वहाँ कविता होती है और चलो। तो साहब वो उम्र थी, थकने में नहीं समझती थी, और ये शौक तो ये जुनून तो ऐसा है, आप क्या बात करते हो। रात के 2 बजे में एक बार गुरुजी के पास निकल गया, ठीक है, 6-5 किलोमीटर की यात्रा करते नहर के किनारे, कोई भय नहीं। वो मैंने कविता लिखी और मैं तो क्या नाम से जो हाँ, और साइकिल उठा करके जो मैं 2 बजे जो है गुरुजी की मैंने कुंदी खटखटाई, वो बड़े बड़े टेंशन में बाहर निकले कि क्या हो गया क्या हो गया, और मैंने उनकी स्थिति देखे मैं ही डर गया। मैंने कहा यार, अपने गलत समय पर तो नहीं आ गए। मैंने तत्काल कहा गुरुजी मैं कविता लिखे लाया हूँ। अरे 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 दादा, मुझे याद भी याद है। तो इसी तरह से जब काशी में गया तो हम साइकिल पे, दिनेश मालो मेरा मित्र जो मेरी सांस और धड़कन की तरह जिया अभी, हाँ 6 महीने भी, बिल्कुल सही बात है उनका स्वास्थ्य। तो हम साइकिल पे उसको मैं साथ रखता था, साथ और वो भी रहता था। तो हम गए वहाँ, हमने क्या नाम से ना दिनेश को मैंने कहा तू संचालन कर बैठ जी, कि यार वो कभी आएंगे जब आ जाएंगे, बारह सुरेंद्र जी भाई सब ये थे, तो वो तो आएंगे जब आ जाएंगे, वरिष्ठ आप तो अपनी रचनाएं। तो दिनेश मालव था, देख दुर्गा शंकर नागर था हमारे गाँव से, हमने कविताएं वहाँ रखी, वो मेरा पहला अनुभव है। उसके बाद तो फिर गुरुजी ले जाते रहे मुझे, फिर भाई साहब ओम जी का सानिध्य मिला, और अब तो आपकी आरती काफ़ी पलवन पे है, काफ़ी पलवन। विष्णु जी, आरती में कई साहित्यकार हैं, नवोदित साहित्यकार भी निकल रहे हैं ना, अच्छा माइड भाषा में भी लिख रहे हैं, तो ऐसे जो नवोदित जो कवि या साहित्यकार आपके साथ मंच साझा करते होंगे, तो उनको आप भी कुछ अच्छा लिखने की सीख देते हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। किस तरह के साहित्यकार या आ रहे हैं आपके सामने? जी बिल्कुल साहब, मैं आपका मैं आपका धन्यवाद कैसे ज्ञापित करूं कि आपने ऐसे प्रश्न पूछे जिनको मैं कहने के मेरे है ना जो उठा करती है हिलोरे, लेकिन ये मंच ही मिला है। मैं मेरी बात तो कहूँगा, मेरे दर्द को कहूँगा इस समय, जिस तरह से मुझे मिला मेरे बुजुर्गों से, मेरे भूतपूर्व साहित्यकारों से, मेरे गुरुओं से, मेरे काव्य ऋषियों से जी, तो वो अपेक्षाएं मैं इस जमाने में अब जब ढूंढता हूँ, बुरा न मानिएगा, बुरा न तो उन जैसे धवल आत्माओं के शरीर अब दिखाई देते हैं, बिल्कुल न वो सने, पहले लोग तरसते थे, तड़पते थे, बिल्कुल, और यार ये आए हैं आज, इस आतिथ्य का तो नितांत अभाव ही हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये मंच की जो आधुनिकता है ये शुद्ध व्यापारिक हो गई है, बुरा ना मानिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गैर साहित्यकार लोग जिन्होंने देखा कि इधर पैसा है, जो कविता का ऐसे बनी जानते हैं, बिल्कुल, उन्होंने साहब हमारी इस धरोहर को अपने कब्जे में ले लिया है,
एक नन्ही चिड़िया, एक जो कबूतर है ना, वो आज दुष्ट और धूर्त लोगों के कब्जे में, सिकंजे में, बाज के कब्जे में है। मेरी हाड़ोती को मीठे गीत, अब बाज के कहीं सिकंजे में अब गीत ढूंढें तो बहुत दूर तक अब नहीं सुना देते हैं। ऐसा कोई गीत जो हमारी आत्मा को झंझोड़ दे, बिल्कुल हमारी आत्मा की प्यास को तृप्त कर दे। काश भगवती हमारी नव पीढ़ी को ऐसा वरदान दे कि सरसता उनके भीतर हो, कुटिलता का नाश हो और एक फिर नया सूरज उदयमान हो। मैं इंतजार में हूँ आगे कुछ लोग इस तरह के आए जो रस में समझे, रस को दें, रस को बांटें और सौहार्दपूर्ण इस माहौल को, इस समाज को सही दिशा दें। ये आशा मैं करता हूँ आज के नव। बिल्कुल विष्णु जी, आज देखा जाए तो जो साहित्यिक मंच थे वो राजनीति की वजह से भटकाव की ओर चले गए। साहित्य उसे कहते हैं जो समाज को एक नई प्रेरणा दे। आज ऐसा साहित्य नहीं परोसा जा रहा तो श्रोता भी उसको असी टिटोली में लेता है। तो आपका क्या मानना है, किस तरह का साहित्य आना चाहिए? जी साहब, आप जो चाह रहे हैं एक बुद्धि वर्ग तो यही चाहते हैं जी। अब विडम्बना यह है कि जो समझते हैं, जो ऐसा चाहते हैं, वो इस प्रदूषण की विभीषिका के बीच में तो आना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, आज दशहरा मंच कोटा है तो उस समय जो श्रोता हुआ करते बहुत बड़े, वो लोग अपने घर से उठ करके वहाँ तक जाने की जहमत भी नहीं उठाते और इच्छा भी नहीं उठाते हैं। बिल्कुल, तो जिनके जो समझते हैं वो हमारे सामने नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही, और जिनके लिए लिखा है वो लोग समझते नहीं है। तो ऐसे में हमारे इस आंदोलन को हम कहाँ पर स्थापित करें, कौन से मंच पर जाएं जी ये। और दूसरी बात क्या है कि पहले सूर तुलसी मीरा को पढ़ते थे तो हम पैदाइशी वो भाव पंखुड़िया लेकर के होते थे जी। आज के आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि कुछ कोई कोई सुर का पसुना दीजिए, कोई नहीं सुन नहीं है। सही है। हमें जब शिक्षक पढ़ाते थे ना तो शिक्षक की आंखों में आंसू हम देखते थे। बिल्कुल सही। तो आप बताइए कि हमें क्यों नहीं वो हमारी आत्मा में उतरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये संस्कार ये शिक्षा है जब दूर हो गई तो आज जब हम कविता पाठ करते हैं मंच पर तो हम भयभीत रहते हैं। बहुत बुरा ना मानिएगा जी। इस पैसे के लाभ में हमारे पूर्ववर्ती कवियों ने भी साहित्य की चिड़िया की गर्दन को बेरहमी से मरोड़ा है, उसके दुष्परिणाम आज हैं। अगर वो खून की आंसू रोए तो रोए, उनके कर्म है झेले साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मुझ पर अगर वो श्राप दे तो दे। बिल्कुल नहीं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज कहीं गीत और साहित्य नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल सही, आपने आज आप नग्न बात कीजिए जी। आप कवित्रियों को लाइए, कवित्री ठीक ही वो हमारी सरस्वती माया जी, है जी। लेकिन अगर वो इस समय की नजाकत को समझ करके और साहित्य के पुनरुद्धान के लिए उतरें तो कल्याण हो जाए, यह हमारा अहोभाग्य। बिल्कुल, बहुत मैं कड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यापारिक जो ये चल रहा है जी, जी। उससे मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मैंने मेरे गीतों से मेरी कलम से न तो पहले समझौता किया और न अब करूंगा, न आगे संभावना है, बल्कि प्रयास करूंगा जो कलियां मेरे सामने आएगी मैं हजार हजार शक्तियां लगा करके, मेरी संपूर्ण शक्तियां लगा करके उनसे यही कहूंगा भैया हमें हमारे ऋषियों ने ऐसा ज्ञान दिया था जो मेरे पास है, आप भी लीजिए और डट के मुकाबला कीजिए, इस समाज के प्रदूषण को हटाइए, मुक्त कीजिए। क्योंकि एक कवि है जिसके पास एक पांच जानने है, पांच जनरेशन के जो होता है। बिल्कुल सही कह रहे विष्णु जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और वास्तव में आज ऐसा ही हो रहा है। विष्णु जी कोई गीत और सुनाओ हमारे दर्शकों। अच्छा हाँ जी, ये गीत मेरे प्रारंभिक काल का ही है। बिल्कुल सुनाओ आप तो वात्सल्य पे। हाँ मैं पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल करें। ब्रज के सुर को स्मरण करते हुए, और स्मृति ये है मेरी कि मैं जब इसको लिखा तो लिख करके मैं इतना प्रसन्न चित्त हुआ कि मैं गुरुजी तो कहा करते थे, गुरुजी को सुनाया, मैं नर्वस होता था मंचों पर कहा सुनाऊं। वो कहते विष्णु एक दिन तू याद करेगा कि तेरे गीत किस तरह से लोग ग्रहण करते हैं। बहुत बढ़िया। और साहब
मैं जब दुर्वादान जी के पास गया, जब यहाँ महाराव भीम सिंह छात्रावास में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, मैं कहा दाभाई मैं कुछ लाया हूँ, सुना मैंने पढ़ा, पढ़ दिया मैंने, पर मेरे मेरी काव्य यात्रा की मैं क्या कहूँ साहब, मैंने उनकी आँख टपकती हुई देखी कदम। अच्छा अच्छा। और वो उठ के गए अपने शर्ट से, उन्होंने 100 का नोट निकाला और मुझे दिया। मैं कहा दावा ये क्या, बस रख ले चुपचाप और कुछ नहीं कहा। अच्छा। तो वो धरोहर मैं आपको सुना, जिसमें मेरी मोहर लगी है ऐसे ऋषियों की, मैं आपको सामने। एक बालक परिवार का श्रृंगार किस तरह से हुआ करता है माँ के सभी परिजनों के पास, लड़ा रही है लाड़ उसको, हमारी कल्चर की मातृवात्सल्य क्या हुआ करती है ये बताना चाहता हूँ। अरे मामा कवे थारो मान बड़े लो, जब वो बोलने का प्रयास करता है और बालक जब रेंग रेंग के चलता है, दो श्रृंगार देता है, मामा कवे थारो मान बड़े लो, बाबा कवे थारो भाग, काका कवे तो काल कट तू चाव जे ही मांग, थारी तोतली बोलिया प मर मर, या तोतली बोलिया प मर मर, जीव हजारा बार थारा दो दाता पवारू, सो सो बीगा का सो बाहर थारा, दो दाता पवारू, सो सो बीगा का सो बाहर। जब बालक रेंग रेंग कर चलता है, वह श्रृंगार देखिए, बाल श्रृंगार, चाल धरा पर रसक रसक, अड़ जा बाद थोड़ी सी रज, आंगन रोपी नी मड़ी की लारा, बद जा गज प गज, बड़ो होर बण बड़ो मनख, तू मनख पणा की बण जे धज, बड़ो होर बण बड़ो मनख, तू मनख पणा की बण जे धज, राम कृष्ण गौतम गांधी शोक बण जा जे रामानुज, अरे गाँव गरियाड़ा पाड़ा का जद, गाँव गरियाड़ा पाड़ा का जद, करता जे जे कार थारा, दो दाता पवारू, सो सो बीगा का सो बार। दादा जी की उम्र के लोगों का एक बचपन किस तरह से उनकी अमूल्य पूजी हुआ करती है ये देखिएगा। बूढ़ाती दादी सोच सुना की सीढ़ियाँ चढ़लूर चढ़लूँ, बूढ़ाती दादी सोच सुना की सीढ़ियाँ चढ़लूँ, सातों पीढ़ियाँ एक एक बैकुंठा जाती पढ़लूँ, अरे दिया सू दियो जप गयो तो राम नाम ही रटलू रे, दिया सू दियो जप गयो तो राम नाम ही रट लू, देख मुड़क तो मुंडो थारो दोई भुजा में भर लू, कमर कणक ती कड़ी कड़ू लिया, कमर कणक ती कड़ी कड़ू लिया, जुबलिया झांझरदार थारा, दो दाता पवारू, सो सो बीगा का सो बार। एक माँ बच्चे की एक तासीर होती है, जब गोद बदलता है तो वो गोद गीली कर देता है और तब पुनः वो बालक उस माँ के पास आ जाता है। बिल्कुल। यहाँ प्रश्न खड़ा है, जो उस माँ जब अपनी माँ की बालक गोद गीली करता है तो वो किसको हस्तांतरण करेगी? बिल्कुल। यहाँ से कविता का एक बिंब देखिए, बाहुबली। जद भी गीली होती गोदी तरवेणी मनाती, मुँह तो जद भी आली होती, बहुत खूब प्रयागराज मनाती, देर मचोड़ो नंदरा गाती, तीन लोक बिशराती, गास गड़ अटक रोव तू हास तो मोती पाती, गास गड़ अटक रोव तू हास तो मोती पाती, दूध पूत का घना चावला भागू खाती खाती।
दूध उफण गयो, भाग रही छे, बिल्कुल बच्चो रो रो छे, सब काम छोड़ गया, बिल्कुल समाड़ी हे जद भी आली होती गोदी, प्रयागराज में नहाती, देर में छोड़ो नंदरा गाती, तीन लोक बिशराती, गास गड़े अटकर होवे तू, हंस तो मोती पाती, दूध पूत का घना चावला, भागू खाती खाती, अरे काजल घाल दीठनो देऊ, काजल घाल दीठनो देऊ, हो जा रे हुशार थारा, दो दांता पवारू सो सो बीगा का सो बाड़, बाल हट को मैंने मेरे प्रयास से आपके आशीर्वाद से एक चित्रित करने का प्रयास किया, एक बंदूर देखेगा आप, हे थारा दो दांता पवारू सो सो बीगा का सो बाड़, मामा कवे थारो मान बड़े लो, बाबा कवे थारो भार, काका कवे तो काल कटे, तू चाव जे ही मांग, थारी तोतली बोलिया प मर मर जीव हजारा बार, थारा दो दांता पे वारू सो बार, बंद रह गया इसका, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया आपने वात्सल्य पे सुनाया जी। विष्णु जी, विष्णु जी आप का मन क्या है कि ये साहित्य यात्रा आपके अनवरत जारी रहेगी? जी मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके प्रश्न मुझे आह्लादित करते रहे। ये कहा होते साहब कि धरती बीज लिया रच, तो मैं इतना भी निराश नहीं हूँ कि जिस साथी को मैं संभाले हूँ, हालांकि मेरा दर बोल रहा है मैं कारण, जिस साथी को, जिस धरोहर को हम संभाले हुए हैं आज के इस पीढ़ी में, तो वो घबराए नहीं, देखिएगा आप ये बीज जब वर्षा होगी, हवा में जब नमी आएगी, तो ये फूटेंगे, बांस की तरह फूट के निकलेंगे, और फिर से इस धरती को, हमारे इस कल्चर की धरती को, हमारे संस्कृति और साहित्य की धरती को फिर से हरा भरा करेगी, फिर से मन खिलेंगे लोगों के, और एक समरसता जागृत होगी, एक रस की नदियाँ इस धरा पर बहा करेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है साहब। ये थे हमारे साथ अंता बालाखेड़ा से पधारे हाड़ोती के कवि विष्णु जी विश्वास। विश्वास जी ने बड़े साहित्यकारों के छांव में बैठकर अपनी काव्य यात्रा शुभारम्भ की, और इनकी एक जो साहित्य प्रकाशन पुस्तक सामने आने वाली है, शीघ्र ही जनता के बीच में होगी। इन्होंने श्रृंगार भी लिखा, वात्सल्य पे भी लिखा, और समाज की जो दिखती कुरूतियाँ हैं उन पर भी ये इनकी लेखनी चली है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आपने आनंद कर दिया साहब, बुला रहे हैं मेन बात तो